हेलो गाइज, आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं मीठी टिको की रेसिपी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और बिन ओवन के हम इसको बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम। गुलिस्ता की किचन में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं मीठी टिको की रेसिपी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। ये हमने लिया है 2 कप मैदा, 1 कप हमने इसमें किया है सूजी का इस्तेमाल, और इसमें हम डालेंगे 1/2 कप नारियल का बारूदा, 1/2 कप किया है हमने सफ़ेद तिल का इस्तेमाल। अब हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे देसी घी, और ये देखिए हमने इसकी मोइन अच्छे से कर ली है, और ये देखिए इस तरह से। हम इसमें डालेंगे पिसी चीनी, चीनी को भी अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके दूध, दूध की कमी क्वांटिटी इस्तेमाल करनी है, क्योंकि चीनी जो हमने इसमें डाली है तो चीनी भी पानी छोड़ती है, इसलिए हमें इसमें कम ही दूध का इस्तेमाल करना चाहिए। और हमें इसका टाइट डो लगाना है, हमें इसका डो ज़्यादा पतला नहीं करना है, नहीं तो टिकिया आपकी बिखर जाएंगी, अच्छी भी नहीं बनेंगी। जैसे हम मट्टी का आटा गूंथते हैं टाइट टाइट, इस तरह से हम इसकी लेयर वाली डो लगाते हैं, इसी तरह हमें इसकी डो लगा लेनी चाहिए। ये हमें इनकी इस तरह से 2 लोई बना लेनी है। लोई को हम इस तरह से लेते हैं, और अब हम चकले की मदद से लोई को इस तरह से बेल लेते हैं, और फिर हमें इसको इस तरह से कर लेना है। और इस तरह से हमें कोई भी ढक्कन या मतलब कोई गिलास ही वगैरह या कोई गिलास, उसकी मदद से हमें इनको इस तरह से कट कर लेनी है। हमें इतनी मोटी टिकिया बनानी है, हमें ये ज़्यादा पतली भी नहीं बनानी है। ये देखिए गाइस, अब हम सभी टिके इसी तरह से बना लेते हैं। ये हमने लिया है एक पैन, क्योंकि हमें इसे पैन में ही फ्राई करनी है, और अब हम इसमें डाल देते हैं ऑयल। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें टिके डाल देते हैं। अब हम इनकी साइड इस तरह से पलट देते हैं। ये देखिए गाइस, टिक्की अच्छे से सिक चुकी हैं। ये देखिए गाइस, सारी टिक्के बनकर रेडी हो चुकी है, और ये देखिए हमने इनका इतना साइज बनाया है। आप इसको मीठी टिकिया भी बोल सकते हैं, आप इसको मीठा बिस्किट भी बोल सकते हैं, और आप इसको मीठी मठड़ी भी बोल सकते हैं। और ये देखिए कितने अच्छे से बनकर रेडी हुई है, आपको तोड़कर दिखाते हैं कितने अच्छे से खस्ता मठड़ी बनकर रेडी हुई है। ये देखिए गाइस, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो आप इस तरह से मीठी टिकिया बनाएं और बनाकर देखें, और अपनी फैमिली में और दोस्तों में शेयर करें। और बारिश और बरसात का मौसम है, और आप इसको गर्मा गर्म चाय के साथ इंजॉय करें। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।